वेलकम बैक दोस्तों, आज हम दोबारा से खेलेंगे माइनक्राफ्ट एंड ड्रैगन एसएमपी। और जैसा कि आपको पता है, पिछले वाली लाइव स्ट्रीम में हम लोगों ने कहा था कि हम विलेजर लेके आएंगे, और विलेजर लेने के लिए हम लोग एक विलेज में गए थे जिसके सामने एक पहाड़ था। पहाड़ की वजह से हम लोग विलेजर को नहीं ला पाए थे, और हम लोग किसी भी तरीके से विलेजर को नहीं ला सकते थे उस समय। तो आज हमारे पास है हमारा ये फ्रेंड विलेजर, जिसे हम यहाँ तक लेके आए हैं पहाड़ काट करके, एक बड़ी सी सुरंग बना के। ये सुरंग इतनी बड़ी है जो कि पूरे विलेज से लेकर के यहाँ विलेजर, मतलब विलेज पूरे पहाड़ों पर पहाड़ है, पूरा का पूरा पहाड़ काट के हमने बीच में बीचों बीच सुरंग बनाई है। यहाँ से हम विलेजर को लेके आएंगे और अपने बेस पे लेके चलेंगे। वहाँ पे जो फार्म है, जो हमने वीट का फार्म बना रखा है, मैंने सोचा है कि वहीं पर ला के ना विलेजर को छोड़ देंगे और विलेजर अपने यहाँ पर खेती करते रहेंगे। जैसे कि ये एरिया है, यहाँ पर विलेजर पूरा का पूरा मैं इसे बंद कर दिया ताकि कोई मॉब ना आ सके। ये पूरा विलेज है, यहाँ से विलेज को बोर्ड में बिठा करके मैं यहाँ पे ले आया, और यहाँ से हम लोग इसे ले करके अपने बेस तक जाएंगे। तो आज हम एक विलेजर लेके जाएंगे, फिर दूसरा विलेजर लेके जाएंगे। इसे बंद कर देते हैं, तो चलो विलेजर लेके जाते हैं। और विलेजर के पास पहुँच के हम वीडियो करेंगे दोबारा से शुरू। हेलो दोस्तों, हम वापस से पहुँच चुके हैं उसी जगह पे जहाँ पे हमने विलेजर बांध के रखा है, और चलो इस विलेजर को लेके चलते हैं अपने घर। तो हम इसके ऊपर बैठना है, बोर्ड के ऊपर बैठ जाते हैं। चलो बोर्ड शायद सीधी हो गई है, नहीं भी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं, हम सीधी कर लेंगे और बोर्ड को चलाते हुए चलना है। ये ओशियन जो है, ये हमारे मशरूम बायोम के पीछे से जाता है। अब मैंने उस साइड का भी रास्ता नहीं देखा है अभी। चलो ठीक है, देखता हूँ विलेजर है ना। ओके, हम लोग चल रहे हैं। विलेजर की हेल्थ 19, हमारी हेल्थ 20। अच्छा, विलेजर की हेल्थ हमारी जितनी होती है, खैर हमें इससे मतलब नहीं। ओ, यू आर सेंडिंग मै टू मैनी पैकेट्स। सर्वर क्रैश हो गया। सर्वर कैसे क्रैश हो गया? ओ माय गॉड, सर्वर क्रैश हो गया। चलो मैं दोबारा रिस्टार्ट करके मिलता हूँ दोस्तों। दोस्तों, हम वापस आ गए हैं। जैसा पता था आप लोग को कि सर्वर क्रैश हो गया बीच में, बेइज्जती हो गई हमारी, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने सर्वर को दोबारा से ठीक कर दिया। अब शायद वो क्रैश ना हो, और वैसे भी हम लोग जहाँ से थे वहीं से कंटिन्यू करते हैं। चलो, हम लोग जा रहे थे विलेजर को लेके अपने घर, तो हमें बोट चलानी है। इसी साइड कहीं है हमारा घर, ठीक से पता भी नहीं है मेरे को। हाँ चलो, यहीं होगा। और क्या इसे पता रखने की क्या बात है। वाई ज़ीरो कर दो, एक्स ज़ीरो कर दो, थोड़ा प्लस में ले जाओ। ओ हो, ओ ओ, व्हाट इज़ दिस? ये क्या हुआ था अभी? अभी ये क्या हुआ था? शायद ये रात के समय ऐसा होता है ना कि सर्वर में लैग शुरू हो जाता है। ये एक बहुत ही गलत बात है, होना तो नहीं चाहिए। चलो हो जाता है तो कुछ कर भी नहीं सकते। तो रात के समय सर्वर में लैग शुरू हो जाता है, इसलिए ना ये ऐसे ऐसे बग्स आते हैं। खैर कोई बात नहीं, आगे से नहीं आएंगे। ओ देखो, हम लोग पीछे आ गए, ये गलत बात है। यार मेरा नेट बिल्कुल सही चल रहा है, मैंने अभी भी चेक किया था, मेरे इसमें कोई ख़राबी नहीं है। ये सर्वर का ही कुछ सर्वर साइड ग्लिच है। थोड़ी देर रुक जाता हूँ, कहीं मैं दोबारा पीछे ना चला जाऊँ। मैं अगर सूरज को देखूँ तो देख भी नहीं पाता यार। चलो कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ यार, घर पे जाना है। बीच रास्ते में बंद भी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। देखो मशरूम बायोम आ गई हमारी, मशरूम का पेड़ दिख रहा है। अब देखो यार, यहाँ से दो रास्ते हैं, या तो मैं इस विलेजर को इसके ऊपर चढ़ाऊँ। ओह, फिर से क्रैश हो गया यार। आज का परमानेंट सॉल्यूशन निकालता हूँ मैं। बस बस, पहुँचने ही वाले हैं हम लोग, पहुँचने ही वाले हैं। ले आए हम विलेजर्स को, विलेजर को, विलेजर आ रहा है। यस, आ रहा है। अच्छा, जल्दी से मेरे आइलैंड पे, जल्दी से, जल्दी से। ओह, इज दिस मेरा घर? मेरा घर कहाँ गया? अरे विलेजर, तू दो मिनट रुक। अरे मेरा घर, अरे मेरा घर, ये चंक लोड नहीं हुआ क्या? अरे चंक लोड नहीं हुआ क्या? ओ माय गॉड, अरे मेरा घर, ओए ओए, मेरा घर, मेरा घर क्या हुआ? ये किसने, किसने तोड़ा ये भाई? ये क्या हो रहा है मेरे घर के साथ? ऐसा किसने किया?
यार खैर इसके लिए दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसमें घर ठीक करेंगे। किसी ने कुछ मेरे घर के साथ किया है, उसके मैं कोर्ट में केस कर दूंगा, देख लेना। इसकी सजा सरासर मिलनी चाहिए लोगों को। यार नहीं, यहाँ नहीं, विलेजर को यहाँ नहीं देखे हम, गलत जगह है। विलेजर को लेके जाएंगे हम कहीं और। अरे विलेजर विलेजर जा यार, मेरा पूरा आइलैंड, पूरा घर, मेरा आइलैंड पे सारे पेड़, इतने सारा सब बहुत कुछ जला दिया है इन लोगों ने। कुछ तो किया है, किसी ने कुछ किया ज़रूर है। मैं उसका देख लूँगा किसने क्या किया। अभी फ़िलहाल वीडियो बनाते हैं यार, वीडियो ख़राब नहीं होनी चाहिए दोनों चीज़ें। वह तो हम इस विलेजर को ले आए और हमने इस खेत में डाल दिया है। अच्छा मुझे नहीं पता क्या ये वाले दरवाजे खोलते हैं फेंसेस या नहीं, पर कमेंट करके बता देना क्या ये वाले फेंसेस खोल सकते हैं कि नहीं। वैसे मैंने इसे ब्लॉक कर लिया है इस साइड से कि कोई मतलब ये वाले फेंसेस खोल के भाग ना पाए ये विलेजर। और मैंने दो इसे क्या कहते हैं कंपोस्टर, हाँ दो कंपोस्टर लगाया है मैंने। अभी मैं आपके आके बेड्स भी लगा दूंगा, दो कंपोस्टर्स मैंने लगा दिए। एक विलेजर और लेके आएंगे इसी तरीके से, जैसे वो वाला विलेजर लेके आए हैं हम लोग, जैसे ये वाले विलेजर सब लेके आए हैं, वैसे एक विलेजर और लेके आएंगे और इन दोनों को फिर यहाँ रख देंगे। और फिर ये अपने यहाँ पे शायद ब्रीड करेंगे, अगर हमने यहाँ पे सब कुछ डोर्स लगा दिए तो ये अपने आप ही ब्रीड करेंगे और खूब सारे विलेजर हो जाएंगे। फिर हम लोग खूब सारे विलेजर हो जाएंगे, पूरा खेत बो देंगे वो लोग, और पूरा खेत बो देंगे। हमारे पास खाने की कोई कमी नहीं रहेगी। फिर यहाँ से हम लोग विलेजर उठा के अपना आयरन फार्म वगैरह भी बना सकते हैं। जैसे कि मैं देखा मेरे काट रहा है, देखो मेरे को इसके सीट कलेक्ट हो गए, तो अपने सीट खुद ही रखो, उठा लिया उसने। देखो उसके अंदर डाल देता है, मैंने देखा है कई बार इसके अंदर सीट डाल देता है। नहीं डालेगा तो उसके अंदर डाल देगा, किसी ना किसी में डाल देगा। खैर वो उसका काम है, हमें तो तक बेड लेके आने हैं। मुझे नहीं पता ये वाला का तोड़ पाता है कि नहीं, इसलिए उसके ऊपर लगाना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो अभी फ़िलहाल के लिए कैसे जाऊँ, अभी कैसे जाऊँ। ओह यार जाने का रास्ता ही नहीं है, कैसे जाऊँ कैसे जाऊँ, तोड़ के जाऊँ क्या। ये ठीक है, ये रास्ता भी अच्छा है। खैर हमें जाना था एजे के घर पे, वहाँ पे शायद बेड्स मिल जाएँ और फेंसेस मिल जाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग इसे रिप्लेस करते हैं फेंसेस के साथ। और खेरा बेड इसे चुरा लूँ क्या, तो चोरी करना बड़ी बात। नीचे से जाएंगे, चेस्टें बहुत पसंद है हमें। और इसके अंदर खूब सारे सीड हैं, सारता जैसे खुद ही फार्मर है। रहने दो रहने दो, हाँ इसके अंदर ही बेल्स हैं तो सारी। वाह लग रहा है इसमें कोई डेंग्योन्स लूटी है। और एमेथिस्ट का शॉर्ड, कोई बेड नहीं मिला यार, लेकिन वो इतने सारे सैपलिंग। ओ भाई साहब मॉस का ब्लॉक, वाइट का वुल कोई काम की चीज़ कुछ नहीं मिली, लेकिन काम की चीज़ कुछ भी नहीं है इसमें। हाँ ग्लोबेरीज काम की है, लेकिन हम चुराने का काम हमारा नहीं है। हाँ जो लेना था कुछ ले ही नहीं पाया मैं, इसके पास कुछ नहीं है। ऊपर वाला चेस्ट इसमें बैट, वाह क्या बात है जवानी, क्या बात है, कुछ तुम भी काम का रखते हो। और इसके पास बाकी कुछ भी काम का नहीं है मेरे हिसाब से, तो कुछ भी काम का नहीं है इसके बाद। हाँ ठीक, मैं बेड ले रहा हूँ जवानी, तुम्हें कोई काम नहीं है शायद इस बेड का, इसलिए मैं बेड ले रहा हूँ। जनहित के लिए बेड लिया है मैंने, नहीं तो मैं बेड नहीं लेता, मैंने कोई चोरी नहीं करी है। ओके यहाँ से भी चलो विलेजर को दे देते हैं एक बेड, खुश हो जाएगा। हाँ जी चलो विलेजर अपना रिस्पॉन पॉइंट सेट करो। हाँ कर लिया, थैंक यू। नहीं रिस्पॉन होना, रिस्पॉन जरूर होना, टेस्ट करूँगा रिस्पॉन
अरे तुम्हारी हेल्थ 19 है, बढ़ेगी नहीं क्या? कुछ खिलाऊं? ट्रेडिंग करूं तो बढ़ेगी शायद, है ना? क्या देता है? पोटैटो? पोटैटो की तो खेती भी नहीं करता, पोटैटो क्यों दे रहा है? ये सही है, पोटैटो की खेती नहीं होती है लेकिन पोटैटो देंगे। चल जाने दो, तुम्हारे लिए बेट लगा दिया मैंने, तुम्हारे भाई को भी लेके आऊँगा, तो इसके भाई को भी फटाफट से जाके लेके आता हूँ, उसके बाद इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। ओके चलो, इसके लिए इसका भाई लेके आता है विलेजर के लिए। तब तक मैंने देखा मेरे पास बैम्बू है, मैंने वहीं पे मतलब जहाँ जिस पहाड़ के नीचे खोदा है उस पहाड़ के ऊपर फॉरेस्ट पाया हूँ मैं, तो मैं सोचा बम्बू है तो क्यों ना बम्बू को बो दिया जाए। बम्बू को बोएंगे, वैसे भी बम्बू कुछ खास तो करता नहीं, खास क्या बहुत काम होता है इसका फ्यूल है ये। और उग भी गया, बहुत जल्दी उग रहा है। चलो कोई बात नहीं, उगने दो, हॉर्स को ऊपर चढ़ा दे बम्बू के। खैर, हम इसका विलेजर लेके आते हैं, विलेजर नहीं, विलेजर इसका भाई लेके आते हैं। तो ओके, मैं विलेज पहुँच के फिर प्ले करूँगा। हम लोग जा रहे हैं इसके भाई को लेने। बोट चलाते समय कई बार सर्वर क्रैश हुआ है, मेरे को लग रहा है न्यू चंक लोड होते हैं ना इसलिए सर्वर क्रैश हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, पहुँचते हैं विलेज पर, दोबारा से प्ले करेंगे। तो दोस्तों चले, दोबारा करते हैं विलेजर को कैप्चर। विलेजर कैप्चर करने से पहले मुझे याद आया यार कि मैंने ना एक गलती कर दी है, मैंने वहीं पे अपनी बोट छोड़ आया जानबूझ के कराया, पता नहीं यार वो बोट लोड नहीं हुई या फिर मैंने क्या किया, बोट नहीं मेरे पास इस समय, तो बोट बनाने के लिए वुड की आवश्यकता होगी। ओके, तो हमें ऐसा करते हैं कि एक इससे बनाते हैं चार प्लैंक। ओके, शायद इसकी क्राफ्टिंग रेसिपी ऐसी होती है, ऐसे भाई कितनी हो रहा है यार, बड़े दिन उसमें देख रहा हूँ। और चल लग जा एक क्राफ्टिंग टेबल ऐसे, चल तेरी कोई जरूरत नहीं है, तू लग जा ऐसे, और फिर खूब सारा प्लैंक, और फिर एक खूब सारी नहीं बस एक छोटी सी मिनी सी बोट, नन्ही मनी बोट। इस नन्ही मुन्नी सी बोट पे बनाएंगे हम नन्ना मुन्ना सा विलेजर। विलेजर बोट पे बैठ जाओ, विलेजर फार्मर, बीच फार्मर, अरे उधर मत जाओ फार्मर, मेरी बोट पे बैठ जाओ फार्मर। तो फार्मर मैं तुम्हारे लिए बोट लगाता हूँ। फाइनली ये बैठ गया, मुझे पता नहीं था ये क्यों नहीं बैठ रहा था, वैसे मैंने देखा दो ब्लॉक्स की बोट होती है, मैंने दो ब्लॉक लगाया बैठ गया ये। चलो हम इसे लेके दोबारा घर चलते हैं, घर चल के दोबारा मिलेंगे। चल रहे हैं हम लोग, घर जाएंगे, विलेजर हमारे साथ है। विलेजर हूँ बोल तो हूँ, मन नहीं है विलेजर का भी हूँ बोलने का। हेलो, वापस से हम ले आए विलेजर, दोनों विलेजर ले आए, ये दोनों ही बैठ गए हैं इस बोट में, पता नहीं क्यों बोट में बैठने में मज़ा आता है इनको। तो पूरी बोट तोड़ देता हूँ, दोनों आजाद हैं, आजाद हो गए सब। चलो तो हो जा बोट कलेक्टेड। हाँ, एक इस कंपोस्टर पे काम करेगा, एक इस कंपोस्टर पे काम करेगा, आपस में आदान प्रदान करेंगे ये लोग। और अगर हम यहाँ पे डोर लगा दें कुछ एक आध, तो ये लोग ब्रीड भी करेंगे और बेबी विलेजर्स आएंगे, और बेड भी चाहिए हमें, बेड और डोर्स। तो सबसे पहले बेड और डोर बनाने के लिए हमें अजवानी के शीप फार्म में जाना पड़ेगा, जहाँ पे हमें थोड़ा कत्लेआम करना पड़ेगा। सॉरी दोस्त, तो मैं ये बंद करके रखना है, इसे भी बंद कर देता हूँ मैं। खास इतना सारा कॉबल स्टोन मिला था मेरे को उसको मारने के बाद, क्या कहते हैं उसे मारने के, सुरंग खोदने के बाद। वो रात होने वाली है, ये अजवानी घर पे सो जाएंगे, यहाँ से सारी डॉट अजवानी गायब कर रखी है, यहाँ बारिश भी हो रही है। ओ शीप्स, मुझको चाहिए वूल, क्या तुम मुझको दोगी, क्या तुम मुझको दोगी, या मैं छीन लूँ, या मैं छीन लूँ। शीप, मुझको चाहिए वूल। वाह, अरे तो नहीं मिल रहा, अब मिलेगा, मिल गया। उसको सोना पड़ेगा, नहीं तो हो जाएगी रात, और रात हो गई तो विलेजर जाएंगे भाग। विलेजर्स नहीं सो पाते हैं, एक ही सो पाता है, दूसरे के लिए बेड नहीं है, क्या करूं मैं आज, तो कब जाऊं सोने के लिए, ताकि हो जाए दिन, विलेजर्स बिना सोए ही बन जाएं।
पता नहीं बन रही, कोई बात नहीं। चलो कोई बात नहीं, कविता बनना ज़रूरी नहीं है, ये बारिश बंद होना लेकिन ज़रूरी है। हाँ, हमें एक बेड चाहिए, बेड के लिए मैं थोड़ा वुल लेके आया, वुल कलेक्ट होना चाहिए। हाँ, तीन मतलब एक बेड बन जाएगा। और इसके घर में होनी चाहिए क्राफ्टिंग टेबल, ज़रूर होनी चाहिए, नहीं तो बहुत हो जाएगा। हाँ है, क्राफ्टिंग टेबल है। ओके, क्राफ्टिंग टेबल है, तो हमें क्या करना होता है, वुल लेना होता है, ऐसे लगाना होता है। अरे हाँ, वुल लेना होता है, ऐसे लगाना होता है, और उसके बाद प्लैंक लेना होता है, प्लैंक को भी ऐसे लगाना होता है, जो बच जाए उसको ऐसे लगाना होता है। ठीक है, इसके बाद एक बेड हो जाता है तैयार। यस, रोटिंग फ्लश फालतू है, ये बेड ले जाते हैं, ये बेड ले जाते हैं और उसको वहाँ लगा देते हैं। ओके, तो आखिरकार हमारे दोनों विलेजर्स रेडी हैं, दोनों ही फार्मर बन चुके हैं। और इसके बाद हम बनाएंगे अगले वीडियो में विलेजर ब्रीडर, जिसमें इन दोनों ही विलेजर्स का यूज़ किया जाएगा, तो और इसी फार्म में विलेजर ब्रीडर बनाया जाएगा। उसमें दो चार बेबी विलेजर्स तो हो ही जाएंगे, और वो उनको फिर यहीं पे काम पे लगा देंगे पूरे फार्म में, क्योंकि फार्म बड़ा है तो विलेजर्स भी ज़्यादा होने चाहिए, जैसे काम कर रहे हैं, मेहनत से काम करेंगे सारे विलेजर, मेहनती होते हैं वैसे, मैंने सुना है। चलो ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो करते हैं बंद करेंगे। हाँ, फार्म ही बंद करते हैं। और मेरा जिसने भी घर जलाया है, मैं पूरी SMP जला दूंगा, मैं बता रहा हूँ, वो मेरी वीडियो देख के समझ जाए, मेरा जिसने भी घर जलाया है, अगर उसने मेरा घर पूरा नहीं किया तो या तो उसे बैन मिलेगा या तो पूरी SMP जल जाएगी। चलो ठीक है, धमकी हो गई बहुत, अब हम करते हैं बंद इस वीडियो को। चलो बाय बाय, टाटा।